नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच पत्रकारों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए मराठी पत्रकार संघ की ओर से रेनकोट वितरण किया गया। तस्वीर भिवंडी के वलपाड़े क्षेत्र की है, जहां पर सोराज तोरण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज लगभग 40 से भी अधिक पत्रकारों को रेनकोट वितरण किया गया। जहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरजपाल यादव, उनके साथ में संतोष चौहान, अरुण मिश्रा, किशोर पाटिल, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सोमनाथ ठाकरे, सुल्तान कुरैशी, नीलम तिवारी, परवीन खान, एसबी अंसारी, मोनिस गायकवाड़, रेहान खान, श्रीनिवास रापेल्ली, मेहंदी हसन, आरडी वर्मा, श्रीनिवास श्रीमल्ले और अन्य कई पत्रकार मौजूद थे, जहां पर सभी को रेनकोट वितरण किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ कोकण की ओर से जो इनके महासचिव हैं किशोर पाटिल, इनके हाथों से, इनकी उपस्थिति में सभी को यह रेनकोट वितरण किया गया। साथ ही साथ मान्यों ने अपने विचार हमारे चैनल के समक्ष रखे, क्या कहा ये सुनते हैं। महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने दरवर्षी आपण पावसाळा आला की रेनकोट आणि हेल्मेट वाटत असतो, त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी सर्व पत्रकारांना भिवंडीत रेनकोटचं वाटप केलं आहे, हेल्मेट अजून यायचे बाकी आहे। आमच्या महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे सरचिटणीस विश्वासराव आरोडे साहेब यांच्याकडे हेल्मेटची जबाबदारी दिली आहे, ते आपल्याला ते हेल्मेट पोचवतील। किती लोकांना आतापर्यंत, म्हणजे किती लोकांना रेनकोट आपण वितरण केले? आज आपण 40 लोकांना रेनकोट दिलेला आहे आणि स्वराज्य तरुण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने आणि महाराष्ट्राचे मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि सर्वांनी एकत्र यावं हाच यामागचा एक उद्देश आहे। रेनकोट हा उद्देश नाही आहे। यानिमित्ताने आपलं एक स्नेहमिलन होतो, सर्व पत्रकारांच्या विचारांची देवाणघेवाण होते आणि त्याच्यातून विषय बरेच काही मार्ग निघू शकतात, एकमेकाला माहिती होते, जी माहिती कोणाला माहीत नसते ती माहिती त्याला त्या वेळेला त्या विचारातून दिली जाते, हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा। आपला स्वराज्य तोरण चॅरिटेबल ट्रस्टने जो हमको इन्वाइट किया था, वो इन्वाइटेशन लेके हम लोग यहाँ पे आए और मैं एक पत्रकार ये नाते में यहाँ से आया हूँ, क्योंकि ये एक ईश्वर दादा का एक ऐसा कहना है कि भिवंडी शहर और तालुका के जितने भी पत्रकार हैं उनमें एकाई चाहिए और अपना भाषा जात और प्रांत का वाद न रख के सब लोग इकट्ठा रहेंगे, ये इनका जो धोरण है वो धोरण को हम लोग सपोर्ट करते हैं और इसके लिए हम लोग आज इस प्रोग्राम में आज इस पत्रकार परिषद सॉरी पत्रकार संघ का जो कार्यक्रम था इसमें आप उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे आज के मतलब कार्यक्रम को लेकर? आज का माहौल देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग हमारे में जो एकाई दिखती नहीं वो आज दिखी और वो किशोर दादा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एकाई रखने का जो संकल्प रखा है उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी पत्रकारों को बधाई देता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ स्वराज तोरण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो पत्रकारों के लिए रेनकोट वितरण किया गया, मैं इसके लिए किशोर पाटिल जी को विशेष धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज ये बरसात के मौसम में पत्रकारों को जो न्यूज़ संकलन के लिए इधर उधर भटकते हैं और ऐसी व्यवस्था अभी बरसात शुरू हुई है तो उसके पहले ही इन्होंने कर दी है, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ और आए हुए सभी पत्रकारों को एकजुट रहने का संदेश देता हूँ कि एकता में ताकत है, संघे शक्ति कलयुग, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था और आज वो सही हो रहा है। तो इधर उधर अकेले ना भटकें, किसी भी संस्था से जुड़ें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से पत्रकारों को यहाँ पर रेनकोट वितरण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित किया गया और पत्रकारों को लेकर काफी कुछ बातें भी कही गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिले किसी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।